हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। तविशी पीछे से बोल रही है और देखिए ये रही वो लड़की, आज क्रिसमस के लिए बिल्कुल रेड बनी हुई है वो, ठीक है। उसकी परफेक्ट ड्रेस है, आज दिखाऊंगी मैं अभी आपको। और मैं भी थोड़ी सी रेड और ब्लैक हो रखी हूँ, ये भी और मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैं कल भी कर चुकी हूँ और आज भी, क्योंकि आज तो है ही क्रिसमस और बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। मैंने बेडशीट धोई थी और वो हवा में उड़ रही है, ठीक है। अभी आपको दिखाती हूँ कैसे उड़ रही हैं। और तविशी कैसे सेलिब्रेट करेगी, केक बनाएगी, केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेगी, क्योंकि कल तविशी का केक थोड़ा सा ठीक बन गया था। अब जैसा बना है वो आपको दिखा देगी। और अभी हम लोग कहाँ जाएंगे तविशी? तविशी को अपने लिए कोई गिफ्ट लेना है, तविशी ने बोला है क्रिसमस के लिए। क्या लेना है आपको? मैंने नीचे एक मैजिक ट्रिक्स का बॉक्स देखा था, या तो वो लेना या फिर स्लाइम किट था, वो लूंगी। और मैं बनाऊंगी छोले चावल आज के, और छोले बनाने की रेसिपी मैं पता नहीं कितनी बार शेयर कर चुकी हूँ, तो वो मैं आज दिखाने वाली नहीं हूँ। सिर्फ हम आज आपको क्रिसमस सेलिब्रेशन दिखाएंगे, हम क्या क्या करेंगे आज के दिन, वो सब आप देखते रहिएगा। हमें खुद भी नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, तो जो जो होता रहेगा वो आप देखते रहना। तो चलो आपको दिखाती हूँ हवा कैसी तेज चल रही है। ये देखो कितनी तेज हवा चल रही है, बेडशीट जो है उड़ के ऐसे बाहर आ गई है। इसको ठीक कर देती हूँ। आज मैंने बेडशीट्स धोई हैं, कल धोनी थी, पता है ना, मैंने कल बताया था आपको पानी नहीं आ रहा था, इस वजह से आज धोई हैं। तो बस अब ये सूख चुकी हैं, थोड़ी थोड़ा सा इनमें नमी है, हट जाएगी एक बार नमी ना, तो फिर 5-7 मिनट बाद इन्हें हटा लूंगी मैं यहाँ से, कहीं उड़ के बाहर चली जाए और सोसाइटी में जागी रहें, तो इसीलिए ही। और बाकी कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोया, सिर्फ बेडशीट क्लीनिंग डे था तो उन्हीं को ही धोया है मैंने। तो चलिए अब मैं छोले वगैरह चढ़ाती हूँ गैस के ऊपर और फिर तविशी का सामान लेने भी जाती हूँ। तो मैंने बनाए हैं ये छोले, और इसको थोड़ा सा रेस्टोरेंट लुक देने के लिए मैंने इसमें थोड़े से पनीर के क्यूब्स भी सजा दिए हैं, और इसके साथ फिर हम खाएंगे चावल। ये मैंने इस बर्तन में, छोटे से बर्तन में बॉइल किए थे, तो ये हो चुके हैं तैयार। और बस अब रोटियां वगैरह मैं सेक दूंगी और फिर ये हमारा आज का लंच होगा। छोलों की रेसिपी मैं वैसे भी आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, शायद 2-2 बार मैंने शेयर की है, इसलिए मैंने आज शेयर कुछ नहीं किया है, बस दिखा रही हूँ कि शक्ल कैसी लग रही है इनकी। तो यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ तविशी कैसी लग रही है, नीचे से भी दिखाना है इसका। मैंने अपनी जेडिंग पहनी है जो मैंने न्यू खरीदी थी, हाँ, और ये रेड जैकेट, हाफ जैकेट, और इसके नीचे ब्लैक स्वेटर। तो ये आज कंप्लीट क्रिसमस वाला जो लुक होना चाहिए वो है इसका। वाव, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है मेरा लुक, पहले मैंने ब्लैक पहना हुआ था जो तविशी ने मेरा फेल कर दिया, कहा कि मैं बुरी लग रही हूँ, तो अब मैंने चेंज कर लिया है, ये पहना है। और मेरे पीछे से बाल आप कह रहे थे दिखाना। और ये हम आ गए हैं महागुन मार्ट, और यहाँ पर हम थोड़ी बहुत तविशी के लिए गिफ्ट्स वगैरह की शॉपिंग करेंगे, और इसकी फ्रेंड के लिए भी जो इसे गिफ्ट लेना है वहाँ पर हम वो भी शॉपिंग करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, हम भी देखेंगे यहाँ पर अभी एक्सप्लोर करके कि क्या क्या है। वैसे बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं है ये, बहुत ही छोटा सा मार्केट है, लेकिन फिर भी ज़रूरत का सामान मिल जाता है अगर गिफ्ट्स वगैरह लेने हो तो। यहाँ तविशी पोज दे रही है तो फिर मैं कैसे पीछे रहूँ, तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी आऊँ और एक बार मैं भी अब वीडियो में एक बार यहाँ पर खड़े होकर इसके साथ पोज दे देती हूँ थोड़े से। और यहाँ वैसे ठंडा है, मौसम बहुत ठंडा है, तो ऐसी जगह पे कहीं भी खुले में घूमने में बहुत मज़ा आता है। तो अब हम अंदर जा रहे हैं, देखेंगे अंदर कोई गिफ्ट शॉप वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है। तविशी बहुत आगे आगे जा रही थी, फटाफट फटाफट इसको कहीं घूमना ऐसे खुले में, और कुछ जहाँ से गिफ्ट्स अपने ले लेने हो वहाँ तो फिर ये ज़रूर जाएगी जाएगी फटाफट भागते हुए। तो बहुत ही एक्साइटेड थी ये, क्योंकि इसे गिफ्ट्स चाहिए थे और मैं भी इसके साथ थी। तो पीछे मेरे हस्बैंड है जो कैमरा लेकर खड़े हुए हैं, और ये देखिए तविशी ने गिफ्ट्स ले लिए हैं, एक अपनी फ्रेंड के लिए और एक अपने लिए। अब ये घर जाकर ओपन करके आपको दिखाएगी कि इसने क्या लिया है। तो
यहाँ साइड में बन रही है हमारी चाय और दिखाते हैं कि अब हमारी तैयारी क्या है क्रिसमस के लिए। तो यहाँ पे ये ग्राइंड कर लिया है हमने। कौन से बिस्किट्स हैं ये मैंने ट्रीट बिस्किट्स यूज कर रहे हैं, पर आप ओरियो भी यूज कर सकते हैं। क्रीम वाले बिस्किट है ना ये? हाँ, चॉकलेट क्रीम, चॉकलेट वनीला, आपकी मर्जी कौन सा फ्लेवर। आपने कौन सा लिया है? मैं तो चॉकलेट लिया है। तो ये दो पैकेट्स है ना, बड़े वाले जो होते हैं, है ना, तो वो इसने इसको ग्राइंड किया है। और साथ में यहाँ पे इसने लिया है हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर आप इसकी जगह पूरा एक पैकेट जो होता है सैशे जो होता है इनो का वो यूज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पास है नहीं तो हम ये यूज कर रहे हैं। और यहाँ ये पे पैन, ये बेकिंग जो ट्रे होती है ये हमने रेडी कर लिया है, भी ग्रीस कर लिया है। ये बटर पेपर लगा दिया है, इस पर बटर लगा दिया है और हम इस पे अब ये जो बनाएंगे इसका बैटर वो इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ हल्का गरम दूध भी है। हाँ, हल्का मतलब रूम टेम्परेचर पर। हाँ, उतना। और इसमें हमने दो पैकेट बिस्किट ग्राइंड करे हैं और 2 टीस्पून चीनी। हाँ, वो भी की है ना, 2 टीस्पून। हाँ, इसने चीनी भी डाली है। अब चलो मिक्स करो, एक ही डायरेक्शन में करना, आपको पता है ये वाली बात। थोड़ा थोड़ा करके इसको करना है, कुछ नहीं होता, मलाई है। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला केक है ये, बहुत फटाफट बनता है और बिना किसी मेहनत के इतना स्वादिष्ट केक बनता है कि बस पूछिए मत। मैं हेल्प करूं? तो इसी कंसिस्टेंसी, ज्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि बस फ्लोई है ना। तो आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। एक बार दिखाओ। हाँ, ऐसी फ्लोई ना। एक बार और घुमा दो, थोड़ा सा जोर की ताकत लगा के। तो अब हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम अपना बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा इनो आपके पास जो भी है। हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया ये, तो थोड़ा सा और दूध डाल लेते हैं। और अगर आपका बैटर बहुत ज्यादा थिन है आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्रीम होगी उस वो ऊपर आ जाएगी। बैटर चलिए फिर पोर कर दीजिए उसे। चारों तरफ फैला दो। अभी फिर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इसमें पोर कर लिया है, अब हम इसे टैप करेंगे एयर बबल्स के लिए। तो अब ये रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए। तो इसके लिए आपको माइक्रोवेव को प्रीहीट करने की जरूरत नहीं, आपको बस इसको माइक्रोवेव मोड पे करना है और 4 मिनट्स के लिए कर देना है। तो अभी हमारा वो बेक हो रहा है केक, और आप टूथपिक से टेस्ट कर सकते हैं कि आपका फुली बेक हो गया है। और अगर फुली बेक नहीं हुआ, आपके टूथपिक पे रेजिड्यू आया है, तो आपको उसे फिर से 1 मिनट के लिए बेक करना है। और हमने क्या क्या शॉपिंग करी है वो हम दिखाएंगे। शॉपिंग वही घर गृहस्थी वाली, क्रिसमस तो चलता रहता है लेकिन घर का जो घरेलू सामान है वो भी हमें खरीदना ही होता है। सब्जियां, हमारा घर का सामान जो होता है थोड़ा बहुत, तो
भाई क्रिसमस एक तरफ और हमारा घर का जो सामान है हमारी गृहस्थी एक तरफ वो भी दिखाएंगे। तो सब कुछ इंक्लूडेड है इस क्रिसमस वाले जो ये हमारा ब्लॉग है इसके अंदर। और क्रिसमस के लिए हमें थोड़े गिफ्ट्स भी मिले। हाँ, तविशी ने भी लिया है गिफ्ट, एक अपनी फ्रेंड के लिए भी है जो मैंने आपको दिखाया था, और एक गिफ्ट मेरे लिए भी है। वैसे लिए तो दो हैं लेकिन एक आ गया है, तो वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इसका केक दिखाते हैं और चाय पी लूं मैं पहले अपनी। वैसे तो केक को 5 मिनट्स के लिए बेक करना होता है, पर कभी कभी केक ज्यादा बेक हो जाता है और कभी कभी हार्ड हो जाता है, तो उसे 4 मिनट्स के लिए करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा गीला गीला लग रहा है तो आप 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। होने वाला है, फिर हम दिखाते हैं कि कैसा बना है। बहुत अच्छी, जब ये 1 मिनट पे आ जाता है ना, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है चॉकलेट की, बहुत अच्छी लगती है। 1 मिनट पे आ गया है, आने लगी है चॉकलेट वाली, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो आपका कैसे सेलिब्रेट, आपका सेलिब्रेशन कैसा था क्रिसमस वाला, जरूर बताना। पेस्ट्री तविशी कह रही पेस्ट्री दिखा दूं, वो भी दिखाएंगे सरप्राइज, सारा एक साथ दिखाएंगे जो हमने लिया है वो एक साथ केक के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। केक की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी है, थोड़ी चॉकलेट वाली आती है ना, वो मुझे थोड़ी अजीब सी लगती है, ऐसा लगता है मुझे चुभ दिमाग में जा रही है। तो ओरियो में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, आलमंड फ्लेवर आता है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, आपकी मर्जी आपको जो यूज करना है। ट्रीट में पर ज्यादा फ्लेवर्स आते हैं जैसे पाइन एप्पल, ऑरेंज, तो आप ट्रीट बिस्किट तो वही है जिसका जिसमें जैम भी लगा होता है, वही है? वो नहीं है, वो जिम जैम, जिम जैम है वो। अच्छा, 30 सेकेंड्स और चलिए फिर एक बार देखते हैं कैसा हो गया, होने वाला है फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं केक एकदम अच्छे से फूल गया है, अब हम इसे एक बार चेक करेंगे, एकदम परफेक्ट है, पर अभी थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है तो 30 सेकेंड्स के लिए और करेंगे। तो यहाँ हमारा केक हो चुका है, आप ध्यान रखना आप ग्लव्स या फिर कुछ किसी कपड़े से लें इसे, क्योंकि ठंडा होगा, आई मीन गर्म होगा कहीं पे फोन। तो ये बनकर रेडी हो गया है केक, और अभी हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर इसको इस वाली प्लेट के अंदर हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो अभी रहने देते हैं 15 मिनट रहने देते हैं ना तविशे, अभी 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, हाँ। चलिए फिर ठीक है, और एक बार फिर से इसमें डालकर देखो वो टूथपिक की बिल्कुल क्लियर है और एकदम सॉफ्ट है कि कैसा है या पानी। हाँ, तो ये हमने निकाल लिया है, इसका बॉटम ना खराब हो गया तो हम इसे उल्टा कर देंगे। ये इसमें दूसरे इसमें ट्रांसफर कर लिया इसने, और वैसे तो इजीली हो गया था, और शायद इसने थोड़ा गरम गरम निकाल लिया ना, इसलिए थोड़ा ठंडा होना चाहिए था, तो शायद ऐसे ना चिपकता नहीं है। तो अब दूसरे में कब ट्रांसफर करोगे अभी? तो अभी इसे थोड़ा 5 मिनट छोड़ देते हैं, यहीं इसका धुआं कम हो जाए, है ना। अभी ट्राई करना, चलो करके देखो, आराम से आराम से आराम से ऐसे हो गया। हाँ देखो कितना अच्छा केक बन के आया है, तैयार हो गया है, बस इसमें थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, गर्म गर्म केक है ये, गर्म वाला बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस यही है इसकी रेसिपी, बहुत ही सिंपल सी, और अगर आपको इसे डेकोरेट करना आप इसे क्रीम से डेकोरेट कर सकते हैं, और आपकी मर्जी आपको जिससे करना, ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं फ्राई करके। तो यहाँ पे हमने केक पॉप्स लिए हैं और 3 पेस्ट्रीज लिए हैं, रेड वेलवेट, बटर स्कॉच और पाइन एप्पल। और तविशी का पीछे बिस्किट वाला केक है, ठंडा हो गया, वो धुआं नहीं निकल रहा ना उसमें से, अब खाने के लिए रेडी है। और इस साइड दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे हमारे क्रिसमस ट्री है, इसके नीचे गिफ्ट्स, ये रहा क्रिसमस ट्री और इसके नीचे है गिफ्ट्स, ये गोल्डन वाला इसकी फ्रेंड के लिए और द यंग साइंटिस्ट तविशी के लिए, और पीछे मैंने माइंत्रा से कुछ मंगाया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, ओपन करूंगी सब कुछ। हाँ, पहले अभी हम अपना खाना खा लेंगे, खाना तविशी खाना खाएगी, मैं तो केक खाऊंगी। टेस्टी है और बहुत स्पंजी भी है। Yeah.
और ये है एक स्वेट शर्ट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्रिसमस पर आ गई, वैसे मेरी क्रिसमस गिफ्ट ही है मेरे लिए। क्या है ये, इसको खोलने का। तो ये रही वो स्वेट शर्ट। इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है स्वेट शर्ट जो मैंने माइंत्रा से मंगाई है। और इसके अलावा हुई हमारी सब्जी की शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग, वो भी आपको दिखाई दूंगी, क्योंकि घर बैठी है तो फिर ये सब सामान तो लेना ही पड़ेगा। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या परचेज किया है। तो लिए हैं हमने कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि हो गई है पालक वगैरह, हो गया टमाटर, हो गया और ब्रोकली वगैरह। सारा ओपन करके तो नहीं दिखाऊंगी, बस ये बता रही हूँ मैं कि हम लोगों ने क्रिसमस के साथ साथ ये सब भी सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेशन है हमारा ये घर का सामान लेना, ये भी मतलब क्रिसमस डे वाले दिन ही इंक्लूडेड है। और थोड़ा सा लिया है ग्रॉसरी वाला जो सामान है वो। इस बार मैं ये खादी वाला शैम्पू लेकर आई हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, तो इस बार ये ट्राई करने वाली हूँ मैं। कौन सा है ये, सैफरन तुलसी एंड रीठा शैम्पू, देखूंगी कैसा निकलता है। और बस फिर थोड़ा बहुत सामान, मसाले वगैरह ये सब मैंने परचेज किए हैं। तो बस यही हमारी आज की शॉपिंग देख रही हो। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग, और आपको एक बार फिर से मैरी क्रिसमस, और पीछे बैठी है तबीशी और गिफ्ट अपने ओपन करके देख रही है, और हमारा पीछे क्रिसमस ट्री जो इसने डेकोरेट किया है। तो बस इतना सा ही ब्लॉग था, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक तो खैर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।